गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमारी वीडियो में हमने शुरू किया था हमारा जियो का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में स्टडी किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और रीड करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री। मतलब कि जो हमारे इंडिया है, यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटीज़ और कल्चर्स भी क्या है, काफ़ी तरह के कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी बेस पे क्या है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वही अडॉप्ट की जाती हैं, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न भी यूज़ किए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फाइबर्स क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। मतलब कि ये इस तरह की यहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, फूड यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया हैज़ थ्री क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया के तीन क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ियाद। सबसे पहले देखो रबी। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। कि ये कब से कब, इसमें आपको ये ऐसे याद रखना है कि ये कब से कब तक इसको ये सीज़न होता है, कि इसको इसमें कब सोइंग कब की जाती है, विंटर में अक्टूबर से दिसंबर तक। एंड हार्वेस्टेड यानी इसकी कटिंग कब की जाती है, समर में अप्रैल टू जून। इसमें आपको इस तरीके से इसको याद रखना है कि इसको उगाया कब जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और कटिंग कब की जाती है, अप्रैल से जून के बीच में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये सारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, मतलब कि रबी क्रॉप्स हैं, आर सोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। मतलब कि अभी आपको आ जाए कि मेजर वीट प्रोडक्शन स्टेट्स के नाम बताओ, तो कौन कौन सी होंगी, ये सारी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, रेन को बोलते हैं, ठीक है। रेन के कारण, मतलब कि जो विंटर में जो रेन होती है, मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। कि वो क्या है, इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन की सक्सेस में हेल्प करती हैं। However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been important factor in the growth of the above mentioned rabi crops। और जो ये green revolution के तहत, मतलब कि ये जो हमारा green revolution, मतलब कि हर जगह हरियाली हो, हरित क्रांति के तहत जो production पे main focus किया गया था, उसके कारण भी जो rabi crops हैं वो produce की जाती हैं। आगे देखो, सेकेंड है हमारा खरीफ। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ओन सेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। मतलब कि कब इसको उगाना कब शुरू हो जाता है, मतलब कि जैसे ही मॉनसून आता है, जैसे मॉनसून का सीज़न आ गया, तो अब खरीफ की फसलों की क्या है, उगाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इनको हार्वेस्ट कट कब किया जाएगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीज़न आर, जैसे पैडी, जैसे चावलों की लगाते हैं, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ये सारी क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, जो आगे हम विंटर में इनको यूज़ करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद यूपी एंड बिहार। ये सारे क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स की मेजर, मतलब कि मेजर राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana in states like Assam, West Bengal and Odisha। मतलब कि ये paddy क्या होता है, जैसे कि ये चावल उगाने के लिए अपने लगाते हैं, मतलब कि उस राइस को क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये paddies लगाई जाती हैं राइस के लिए, तो ये क्या है, पंजाब एंड हरियाणा में भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। थ्री क्रॉप्स ऑफ paddy आर ग्रोन इन ए ईयर, दीज आर अस, अमल एंड बोरो। आगे देखो, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देर इज़ ए शॉर्ट सीजन। कि रबी की फसलों के बीच में और खरीफ के सीजन के बीच में क्या है, थोड़ा टाइम पीरियड होता है, उसमें जो हम क्या है फसलें उगाते हैं वो क्या है, ज़ियाद सीजन होता है, ठीक है, ज़ियाद की फसलें तब उगाई जाती हैं।
अब देखो जो रबी है वो क्या है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में तो उनको उगाया जाता है, और अप्रैल से लेकर जून के बीच में उनकी, अप्रैल टू जून में उनको हार्वेस्ट किया जाता है। ऐसे ही मतलब कि जो ये खरीफ की है ये क्या है, मानसून आने पे इनको क्या है उगाया जाता है, और आगे फिर इसकी कटिंग कब की जाती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनकी कटिंग की जाती है। इस बीच में जो टाइम होता है उसको ज़्याद सीजन बोलते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ज़्याद आर, जैसे वाटरमेलन, मस्तमेलन, कुकुम्बर, जैसे खीरा हो गया, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा, खीरा, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, मतलब कि जो चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए जो फोडर क्रॉप्स को उगाया जाता है। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, अब ये वन मार्क में आ सकता है कि शुगर केन को एक साल लग जाता है, ठीक है। आगे मेजर क्रॉप्स, ए वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। के वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में उगाई जाती हैं, जो किस पर डिपेंड करती हैं, सॉइल की वेरिएशन पे, मतलब कि हमारी सॉइल कैसी है और क्लाइमेट कैसा है और हमारी कल्टीवेशन, हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, माइलेट्स बाजरे को बोलते हैं, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एटसेट्रा। आगे देखो, सबसे पहले हम राइस के बारे में रीड करते हैं। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो कि जो हमारी कंट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में आफ्टर चाइना। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, जिसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कितना टेम्परेचर, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये आ सकता है कि राइस की क्रॉप के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और क्या है हाई, इसमें क्या है रेनफॉल भी इसको ज़्यादा चाहिए होती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, जहाँ पे क्या है रेनफॉल कम होता है वहाँ पे क्या है इरीगेशन के थ्रू क्या है इनकी इनको प्रोड्यूस किया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स। डिवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल, इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। मतलब कि जो कैनल इरीगेशन है या ये डेंस जो इसका नेटवर्क है, मतलब कि जो नदियों का ये नेटवर्क बनाया गया है, ये इसी के कारण पॉसिबल हुआ है कि यहाँ पे क्या है जो एरियाज में लेस रेनफॉल होती है वहाँ पे राइस को कल्टिवेट किया जा सकता है। सेकेंड है वीट, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रियल क्रॉप, ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप, गेहूँ जिसको हम क्या गेहूँ कहते हैं, और ये हमारी मेजर क्रॉप है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस रबी क्रॉप, और ये क्या है एक रबी क्रॉप है, जो राइस था हमारा वो क्या था, वो खरीफ क्रॉप थी, खरीफ की फसल थी, और जो वीट है वो रबी की फसल है। रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन, इसको क्या है कूल सीजन की ज़रूरत होती है, एंड ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और पकने के टाइम इसको क्या है सनशाइन की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स 50-75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, कि इसको सिर्फ 50-75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। देर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा होता है, द गंगा सतलुज प्लेन्स में जो कि नॉर्थ वेस्ट में, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, जहाँ पे क्या है ब्लैक सॉइल मिलती है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे मेजर क्या है वीट की प्रोडक्शन की जाती है। आगे देखो माइलेट्स, जैसे कि माइलेट्स में ये सारे जो ज्वार, बाजरा हो गया, इस तरीके की फसलें इंक्लूड होती हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। रागी भी एक क्या है क्रॉप है
जो क्या है हमारे वेट लॉस में या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मोस्टली हेल्प करती है। आर द इम्पॉर्टेंट माइलेट्स ग्रोन इन इंडिया, तो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब कि काफ़ी इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज, मतलब कि रागी में बहुत सारे क्या है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और माइक्रो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, और ज्वार क्या है हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है फूड एरिया के अकॉर्डिंग। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, कि ये क्या है रेन फेड क्रॉप है, ये किस एरिया में होती है, मोस्ट एरिया में होती है, नमी वाले एरियाज में होती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, कि सैंडी सॉइल पे क्या है बाजरा होता है, एंड शेलो ब्लैक सॉइल, और गहरी मतलब कि काली मिट्टी में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये स्टेट्स आपको अलग अलग लर्न रखनी है, ठीक है, ध्यान देना है कि कौन सी क्रॉप है कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। आगे रागी इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, मतलब कि सूखे एरिया में होती है, एंड ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल, ये क्या है लाल काली और चिकनी मिट्टी पे ज़्यादा होती है या काली मिट्टी। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। आगे देखो मेज, इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर, मतलब कि एज ए फूड भी इसको यूज़ किया जाता है और फोडर चारे की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये खरीफ क्रॉप है जिसको इतने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और ये एलुवियल पुरानी जो एलुवियल सॉइल होती है जिसको हम बांगर रीजन्स बोल देते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस होती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो, कुछ स्टेट्स में इसको रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज हाई यील्ड वेरिएशन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर जैसे कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। आगे देखो पल्सेस, यानी कि जो दालें, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो ये इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड में। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, कि जो मेजर प्रोटीन है दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर, जिसको अरहर की दाल, उर्द की दाल, मूंग, मैसूर, पीज एंड ग्राम। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेज आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन, और ये वर्क आपको करना है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं और कौन सी रबी की फसलें हैं, ठीक है, दालें हैं आपको अलग अलग करनी है अपनी नोटबुक में लिख के ऊपर ही ऊपर कि पल्सेज ऑफ खरीफ सीजन एंड पल्सेज ऑफ रबी सीजन, आपको इसमें डिफरेंस करना है। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है और ये ड्राई कंडीशंस में भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। बींग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, कि बाकी क्रॉप्स के अलावा जो सिर्फ अरहर है वो क्या है, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि अरहर को छोड़ के बाकी क्या है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विच विद अदर क्रॉप्स, मतलब कि अदर क्रॉप्स के साथ इनको क्या है टर्न वाइज प्रोड्यूस किया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, जितना चैप्टर आपको रीड करवा दिया आप उसको घर पे दोबारा रीड करो ताकि वो समझ आ जाए, और अगर कोई डाउट होता है तो बाय मैसेज आप मेरे से पूछो उसके बारे में, ठीक है, बाकी का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे।